ब्रेक यदि आप अप्लाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा शार्पनेस आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं आप लोगों को एक पॉपुलर स्कूटर के बारे में सारा डिटेल बताने जा रहा हूँ। ये है सुजुकी बॉगमैन, आप रोड पर देखेंगे बहुत सारी आपको ये दिखती है। मैं आप लोगों को जो की डिटेल्स हैं वो सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। इसका प्राइस, कलर ऑप्शन क्या मिलने वाला है, फाइनेंस का क्या है, तो इसके लिए हमारे साथ हैं परेश भाई, यहाँ के सेल्स इंचार्ज, इनसे हम सारा डिटेल अभी जानकारी लेंगे। परेश भाई आप बताइए, स्कूटर तो नो डाउट बहुत ज़्यादा बिक रही है, इसमें कितने कलर ऑप्शन मिल जाते हैं? इसमें 5 है टोटल, वाइट, ग्रे और ब्लू। व्हाइट, ग्रे, ब्लू आपको ग्लॉसी में मिल रहा है, और मैट में अलग मैट ब्लू आता है वो अलग है। और मैट में क्या क्या आ रहा है? मैट में रेड, ब्लैक, रेड, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लू बिटी में आएगा, हाँ मैट में। अच्छा, इसमें आपको दो वेरिएंट आ जाता है, एक ब्लूटूथ के साथ में, एक विदाउट ब्लूटूथ, ऐसे बराबर। ये अपने सामने जो है ये विदाउट ब्लूटूथ की है। और इसका जो फिल्टर कैपेसिटी है कितने लीटर का है? 5.5 लीटर का है। और माइलेज क्या मिल रहा है प्रैक्टिकल, जो लोग चलाकर आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? 45-50 के बीच में मिल रहा है, 45-50 के आसपास मिल रहा है। और ऑन रोड प्राइस क्या पड़ रहा है? ऑन रोड प्राइस ये विदाउट ब्लूटूथ जाएगा 1,15,000 जाएगा विद एक्सेसरीज के साथ। अच्छा, और कोई एक्सेसरीज नहीं लेना चाहिए तो कुछ पैसे कम कर रहे हैं? हाँ, तो उसमें और 2,500 कम है, 2,500 कम हो जाएगा। अच्छा, ओके। और इस पर फाइनेंस क्या कितने परसेंट तक हो रहा है? 85% हो रहा है इसमें, डाउन पेमेंट 25,000 के डाउन पेमेंट पर हो जाने वाला है। और टेन्योर पीरियड 4 साल 5 साल? नहीं, 2-3, और अभी कुछ फाइनेंस वाले 4 साल दे रहे हैं। नहीं तो मेजर जो मेजर 36 मंथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है 2 से 3 साल का दे रहे हैं। चले, थैंक यू परेश भाई, थैंक यू। इसके की फीचर के बाद अभी मैं आप लोगों को इसका सेफ्टी एंड कंफर्ट का जो फीचर है वो मैं डिटेल बता देता हूं। तो इसका जो फ्रंट से लुक है कुछ इस तरह से आपको ये देखने वाला है। ट्रांसपेरेंट में विंड वाइजर मिल जाने वाला है, और यहां पर आने वाला है आपका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, और दोनों साइड में व्हाइट कलर के साथ में ये देखिए कुछ इस तरह से ग्लॉसी ब्लैक कलर में स्ट्रिप पास होती है, और सेंटर में दिया गया है सुजुकी का ये लोगो। ओवरऑल जो इसका लुक है काफ़ी आपको बल्कि मिलने वाला, हैवी लुक फ्रंट से मिलने वाला है। साइड इंडिकेटर इसके डाउनफॉल पर दे दिया गया है, और इसमें भी आपको LED लाइट मिलने वाला है, और 3 कंपार्टमेंट में रखा गया है इसका हेडलैम्प। तो ऑन होने के बाद यदि इसका जो लुक है कुछ इस तरह से बन जाने वाला है, और यदि आप पासिंग लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो ओवरऑल जो अपीयरेंस है कुछ ऐसा बन जाएगा। इसके हेडलैम्प के बाद आ जाते हैं इसके मडगार्ड पर, तो यहाँ पर मडगार्ड पर आपको मिलने वाला है कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर, जो कि आपके कॉर्नरिंग प्रेजेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करता है। और यहाँ पर जो इसका मडगार्ड है ये स्पोर्टी रखा गया है, फ्रंट से भी आपको थोड़ा सा वाइडर रेंज के साथ में मिलने वाला है। इसके मडगार्ड के बाद हम इसका सस्पेंशन देख लेते हैं, तो फ्रंट में आपको मिल रहा है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जबकि रियर में मिलने वाला है स्विंग आर्म सस्पेंशन। इसके सस्पेंशन के बाद इसके ब्रेकिंग सिस्टम को देख लेते हैं, तो इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का यूज ये हो जाता है कि आगे और पीछे दोनों जो ब्रेक हैं यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई होते हैं, तो बाइक के स्किड होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आप कहीं पर भी कैसे भी ब्रेक करिए। और टेक्नोलॉजी है अपने जगह है, आपकी जो सेफ्टी है वो अपने आप को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप इसका ब्रेक देख लीजिए, फ्रंट में मिल रहा है डिस्क ब्रेक, पीछे में मिलने वाला है आपको ड्रम ब्रेक। निफिन का ब्रेक कैलिपर इस्तेमाल किया गया है इसमें। और इसके साथ साथ इसके टायर को भी देख लेते हैं, तो पहले व्हील देखिए, आपको मिल रहा है 5 स्पोक्स के साथ में अलॉय व्हील, और फ्रंट टायर का जो रेडियस है ये 12 इंच रखा गया है, और साइज आपको 90x90 का मिलने वाला है। ट्यूबलेस टायर यूज़ किया गया है। अभी आप रियर व्हील इसका देख लीजिए, रियर व्हील जो है ये आपको थोड़ा सा वाइड मिलने वाला है, और इसका रेडियस 10 इंच है, तो 10 इंच होने की वजह से जो ग्राउंड रीच है वो काफ़ी अच्छा हो जाने वाला है। यहाँ पर रियर मडगार्ड भी आपको पूल मिल जा रहा है, तो जो कीचड़ डस्ट वाटर है उसे यहाँ पर डबल प्रोटेक्शन मिलने वाला है इससे। और यहाँ पर आप देख लीजिए जो एक्सटेंशन है, तो कुछ ये यहाँ पर आपको अरेंजमेंट इसके व्हील सस्पेंशन ब्रेक में देखने के लिए मिलने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे फीचर्स का, तो आते हैं फुटबोर्ड पर। स्कूटर्स के लिए ये जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर आप सामान वगैरह भी रखकर कैरी करते हैं और लेकर जाते हैं, या स्कूल बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो एक बच्चा यहाँ पर खड़ा होता था, ये जो स्पेस है ये बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर आपको डिसेंट स्पेस मिल जा रहा है, एंटी स्लिप के साथ में यहाँ पर आपको ये डिजाइन मिलने वाला है, और इस पर चाहे तो आप ये फ्लोर मैट लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका जो लुक है वो काफ़ी फंकी टाइप का हो जाने वाला है, अच्छा यहाँ पर लुक देने वाला है। आप यदि लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं तो लेग को स्ट्रेच करके भी बैठ सकते हैं, फुल यहाँ पर आपको कंफर्ट मिलने वाला है। यहाँ मैं बैठ कर दिखा देता हूँ, तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपका पोजीशन बन जाने वाला है। और ये बात करें हम इसके हैंडल का, तो ये अपराइट पोजीशन में आ रहा है, रिस्ट पर कम से कम प्रेशर होने वाला है। यदि आप ऐसे बेंड करते हैं तो थोड़ा सा आपका जो रिस्ट पर है वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और बैक पेन होने का भी चांस नहीं होने वाला है। देख लीजिए कुछ ये मेरे यहाँ पर पोजीशन बन रहा है। दूसरी यूटिलिटीज़ यहाँ पर देखिए, ये ग्लव स्पेस में दिया गया है, यहाँ पर वाटर बॉटल के लिए जगह हो जा रहा है, और दूसरी साइड में भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है।
क्लोज के साथ में, तो इसमें मोबाइल रखकर आराम से इसमें चार्ज करते हुए जा सकते हैं। इसमें मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है यहाँ पर, ये आप देख लीजिए, तो मोबाइल चार्ज करते हुए भी जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फीचर है यहाँ पर मिल रही है। लगेज हुक में एक यहाँ पर ओपन मिलता है, दूसरा यहाँ पर क्लोज में दे दिया गया है। तो सामान जो है मैक्सिमम आप कैरी कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। और यहाँ पर जो बहुत अच्छी बात है इसके सीट की, तो आपको यहाँ पर मिल रहा है सिंगल टू लेवल सीट, और सीट की जो लंबाई हो काफ़ी मिल रही है। तो एक जो प्लेन राइडर हो सामान वगैरह भी लेकर आराम से बैठ सकता है, उसको भी कंफर्टेबल राइड मिल जाने वाला है इस पर। यहाँ पर ग्रैब रेल देखिए कुछ इस तरह से एडजस्ट किया गया है, यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक कलर में आ रहा है, व्हाइट एंड ब्लैक कलर का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में आपको मिलने वाला है बॉगमैन स्ट्रीट का ब्रांडिंग। जो बॉगमैन है ये आपको मिल रहा है 3D में स्टील फिनिश रखा गया है इसका। इसमें आपको दो वेरिएंट आते हैं, स्ट्रीट एंड ब्लूटूथ। तो ये स्ट्रीट मॉडल है, इसको कुछ ये यहाँ पर आपको अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर लोअर जो लाइनिंग है इसका, जो लोअर बेस है ये देख लीजिए, इसको रखा गया है ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ में। यहाँ पर आपको SCP का ये ब्रांडिंग मिलने वाला है। इसका जो कवरिंग है सिंगल टोन कलर में आपको डबल एक्सपीरियंस कराने वाला है, ग्लॉसी ब्लैक एंड यहाँ पर मैट ब्लैक कलर का रखा गया है। इस पर आपको मिलने वाला है थोड़ा सा डॉटेड डिजाइन, डॉटेड स्ट्रक्चर रखा गया है। इसके साइलेंसर के बाद आ जाते हैं हम इसके टेल सेक्शन पर। तो इसका जो टेल लाइट है वाइडर एरिया कवर करने वाला है कुछ ए, इसके अंडर बॉडी माउंट करने के बाद ऐसा दिखने वाला है। LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है। ब्रेक यदि आप अप्लाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा शार्पनेस आपको देखने के लिए मिलेगा। और साइड इंडिकेटर के बाद में कुछ ए आपका लुक बन जाने वाला है पीछे से। और आ जाते हैं हम अभी लेफ्ट साइड में। तो इसमें आपको मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ किक स्टार्ट सिस्टम, और प्लेन राइडर का जो फुट रेस्ट है ये रखा गया है एल्युमिनियम फिनिश में। तो ये कुछ यहाँ पर अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको मिल रहा है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, जो कि लेडीज़ के लिए स्पेशली काम करने वाला है। ये आपने सिंगल स्टैंड पर खड़ा किया है, लेडीज़ स्पेशली सिंगल स्टैंड पर ही खड़ा करते हैं। यदि आप जल्दी मिल लेकर निकलते हैं तो भी आपको बाय डिफॉल्ट उसको ऊपर करना पड़ेगा, तो काफ़ी सेफ हो जा रहा है। अभी इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके इंजन डिटेल का। इसमें आपको इंजन मिल रहा है 124 cc का, 4-stroke सिंगल सिलेंडर एयर कूल 2-valve इंजन, जो मैक्सिमम पावर देने वाला है 8.7 PS का 6750 RPM पर, और पीक टॉर्क आपको मिलने वाला है 10 Nm का 5500 RPM पर। और इसका डायमेंशन भी अभी हम देख लेते हैं लगे हाथ। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपको मिलने वाला है 160 mm का, व्हील बेस दिया गया है 1265 mm, और इसकी जो ओवरऑल हाइट है ये रखी गई है 1140 mm की, और इसका सीट हाइट आपको मिलने वाला है 780 mm। बात करें इसके कर्व वेट का, तो इसका जो टोटल ओवरऑल वेट पड़ रहा है ये 110 kg का है। तो 110 kg एक्चुअली थोड़ा स्कूटर के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा ही है, लेकिन आपको यहाँ पर एक क्रूजर स्कूटर टाइप की मिल रही है। नोटिस करने वाली बात ये है, आपको यदि लॉन्ग रूट पर जाना है, हाईवे वगैरह पर जाना है, तो थोड़ा सा जो बाइक का या स्कूटर का जो वेट है वो भी मैटर करता है। तो आपको स्पीड लेने में आसानी होने वाली है, रोड पर जो ग्रिप है वो अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर आ जाते हैं अभी इसके मीटर कंसोल को देख लेते हैं। तो इसका जो मीटर कंसोल है ये फुली डिजिटल रखा गया है, व्हाइट पर जो लेटरिंग है वो ब्लैक कलर से रखी गई है। इसमें आपको फ्यूल गेज, टाइम, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में ये तीन कंट्रोल स्विचेस मिल जाते हैं, अपर एंड डीपर, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, हॉर्न। इसमें पासिंग लाइट के लिए एक सेपरेट स्विच मिल जाता तो अच्छा था, फिलहाल यहाँ पर आप ये मिस करेंगे। ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई, ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है कि नहीं देना चाहिए था, इसमें ही एडजस्ट किया जा सकता था। यदि इसको ये प्रेस करके भी आप यूज़ कर सकते थे, फिलहाल आपको यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पिंच करने वाला है, ये पॉइंट हमें अच्छा नहीं लगा है। और राइट साइड में बात करें तो यहाँ पर आपको मिल रहा है एक किल स्विच, और इसके साथ साथ ही आपको इग्निशन स्टार्ट करने के लिए भी मिल जाता है। तो सिंगल स्विच यहाँ पर मिल रहा है, सिंगल रेसिंग बार है यहाँ पर। आप देखिए इसका जो ग्रिप है ये आपको स्मूथ मिलने वाला है, इसमें एक्चुअली एक्सेसरीज लगा दिया गया है इसके वाइब्रेशन को रेक्टिफाई करने के लिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन भी इसमें मिलने वाला है। इसका जो रियर व्यू मिरर है कार्बन फाइबर फिनिश के साथ में आ रहा है, फ्रंट से इसमें कार्बन फाइबर फिनिश रखा गया है, सेंटर में थोड़ा सा स्टाइलिश डिजाइन बनाया गया है, और बार आपको ये ब्लैक कलर से मिलने वाला है। तो ये सारा डिटेल था इस स्कूटर के बारे में। बाकी फाइनेंस, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, प्राइस, ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।